हमें 14 में आपने सेवा करने का मौका दिया तो हमने सबसे पहले राष्ट्रपति बनाए रामनाथ कोविंद जी एक दलित को। हमें 2019 में दूसरी बार मौका मिला तो हमने राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी बेटी को देश के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को पसंद किया और कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया। साथियों, मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है, कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है, मैं सोचता रहता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता है ठीक है ये शाहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं, ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। साथियों, मैं एक गंभीर सवाल आज आपको पूछना चाहता हूं। मैं पहले चाहूंगा कि तेलुगु में उसका अनुवाद हो ताकि मेरा सवाल मैं सही तरीके से आपको पूछ सकूं। మిత్రులారా, నేనిప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగబోతున్నాను. దీన్ని తెలుగులో నేను వివరిస్తాను, ఆ తరువాత మీరు దీనికి జవాబు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. సాథియో, మేరా సవాల్ హై ఔర్ ఆప్ తెలుగు మే బోల్నే కే బాద్ ముజే జవాబ్ దేనా. క్యా హమారే దేశ్ మే యే సహజాదే, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझमें गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर
लोगों की योग्यता तय होगी, क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। साथियों, कांग्रेस के कुशासन की कीमत तेलंगाना के किसानों ने भी चुकाई है। बीआरएस ने कालेश्वरम घोटाला किया था, कांग्रेस बीआरएस को बचाने में लगी है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर इसका लूट का नुकसान हमारे किसानों को हो रहा है। साथियों, बीजेपी के लिए किसान हमारी टॉप प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। हमने टर्मरिक किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड बनाया, हमने पैडी और कॉटन की रिकॉर्ड खरीद की। आज तेलंगाना के करीब 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमने रामागुंडम में बंद पड़ी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री शुरू करवाई, नौजवानों को रोजगार मिला, किसानों को फर्टिलाइजर मिला। साथियों, तेलंगाना सरकार तो केंद्र के विकास कार्यों से भी परेशान है। तेलंगाना और वारंगल में हमने टेक्सटाइल पार्क बनाया है, लेकिन ये लोग टेक्सटाइल पार्क के संचालन में समस्या पैदा कर रहे हैं। उसमें भी वो डबल आर टैक्स की फिराक में है। साथियों, 13 मई को आपका वोट तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाब देगा। मेरा आपसे आग्रह है, वारंगल से श्रीमान अरूरी रमेश, महबूबाबाद से डॉक्टर सीताराम नाइक, ये हमारे दोनों साथियों को लोकसभा में भेजना है। ये लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो मोदी की ताकत बढ़ जाएगी, और इसलिए कमल का फूल, कमल के फूल पे बटन दबाना, और आप कमल के फूल पर बटन दबाएंगे वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा, और आपका वोट देश को विकसित बनाएगा, आपका वोट तेलंगाना को विकसित बनाएगा, और ये मोदी आप सबको इसकी गारंटी देता है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।